भक्त प्रह्लाद की कथा का अमृत रसपान किया भगवत प्रेमियों ने। कुनिहार हाटकोट में चल रही भागवत कथा के चौथे दिन कथावाचक सुरेशानंद पुरी जी महाराज ने भक्त प्रह्लाद की विस्तृत कथा भागवत प्रेमियों को सुनाई। कथा में भक्त हनुमान जी के माता जानकी की खोज की कथा में लंका में माँ जानकी से भेंट का सुंदर प्रसंग सुनाया। आयोजक मदनलाल जोशी ने बताया कि पंचकुला से आए कथावाचक सुरेश्वरानंद महाराज जी द्वारा अपनी मधुर वाणी से मोक्षदायिनी संगीतमयी भागवत कथा का रसपान करवाया जा रहा है, जिससे सैकड़ों भागवत प्रेमी श्रोता भाव विभोर होकर कथा का आनंद ले रहे हैं। 16 मई को हवन व पूर्णाहुति के साथ कथा को विराम दिया जाएगा। नेशन न्यूज के लिए कुनिहार से हरजिंदर ठाकुर की रिपोर्ट। पुरुषोत्तम मास में किया हुआ अनंत गुना फलदायी माना गया है, तो अभी हरिद्वार में समारोह था। बल्ले बल्ले हो गई मेरी। ब्रह्मा जी ने कहा तेरी तो बल्ले बल्ले तब होएगी जब तेरहवा महीना बनाने वाला खुद ही प्रकट हो जाएगा। वो तो हमसे भी बड़े बाप है। तो हिरण्यकश्यप को पृथ्वी के ऊपर अपराध को पृथ्वी के ऊपर शोक संताप